हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिटेल के बारे में जिसको यूज़ करके आप आपके जो स्टॉक आइटम्स है उसमें उस आइटम की जो इमेज होती है वो आप सेट कर सकते हैं। और ना सिर्फ सेट कर सकते हैं, आप आइटम में से या तो ट्रांजेक्शन के टाइम में वो इमेज को देख भी सकते हैं। और आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, जब आप सेल्स परचेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या इन्वेंट्री रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, वो कोई भी ट्रांजेक्शन में वो आइटम को आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो तो उस आइटम का जो पिक्चर होगा उसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये TTL है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ उसको शेयर कीजिए और कमेंट में हमको बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो TTL है वो TTL आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देंगे। वहाँ से आप उस TTL को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड होने के बाद आपको ये TTL जो है वो ऐसा आपको डाउनलोड होने के लिए मिलेगा, आइटम इमेज डॉट TXT। एक्सटेंशन शायद अलग हो सकता है, TCP या तो TDL हो सकता है, बट मोर और लेस ऐसा एक फाइल होगा जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड होने के बाद आपको इस फाइल को टैली के साथ कॉन्फ़िगर करना है। तो TDL को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो उसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपको टैली ओपन करना है। टैली में आपको हेल्प बटन में जाना है, और हेल्प बटन पे क्लिक करने के बाद आपको TDL एंड एड ऑन में जाना है। TDL एंड एड ऑन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली F4 प्रेस करना है। F4 मैनेज लोकल TDL। F4 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको वो TDL जो है वो कॉन्फ़िगर कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पाथ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। अगर आपके वहाँ पे नहीं आया है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सिंपली, या तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके उस फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फाइल है, वो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लो TDL में हम यस करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकली ये जो फाइल है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। आइटम इमेज डॉट TXT उस फाइल का नाम है। अब एक बार ये फाइल कॉन्फ़िगर हो गई, उसके बाद आपको कैसे ये कॉन्फ़िगर करना है आगे का स्टेप वो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सिंपली F11 प्रेस करना है, ठीक है? आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे कंपनी बटन में क्लिक करके आप फीचर्स पे क्लिक कर सकते हैं। फीचर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में, राइट साइड लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अनेबल स्टॉक आइटम इमेज, ठीक है? तो चलिए फटाफट वहाँ पे आ जाते हैं एंटर एंटर करके। और यहाँ पे लास्ट में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल गया अनेबल स्टॉक आइटम इमेज का, उसको आप यहाँ पे यस करेंगे, और हमारा जो आइटम का जो पिक्चर्स है जहाँ पे भी हमने रखा हुआ है उस फोल्डर का पाथ हमें यहाँ पे सेट करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे मेरा जो हमारा जो आइटम का जो पिक्चर्स जहाँ पे हमने रखा हुआ है वो फोल्डर में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रिक जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसके पिक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आपको सिंपली आपका जो आइटम का जो पिक्चर्स जहाँ पे भी पड़ा है उस फोल्डर का आपको एड्रेस बार जो है वो कॉपी करना है फटाफट, और उस एड्रेस बार को आपको वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना है टैली में। तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ ये एड्रेस बार जो है उसको, और यहाँ पे टैली में आपको अनेबल स्टॉक आइटम इमेज में यस करने के बाद नीचे जो पाथ लिखा हुआ है वहाँ पे वो पाथ हम एड्रेस बार पेस्ट कर देंगे, ठीक है? डायरेक्टरी को हम पेस्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार एक्सेप्ट हो गया, राइट? तो पहले तो हमने TDL डाउनलोड करके उसको कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद उसको हमने कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको अनेबल किया,
तो ये दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे अगर आपने अनेबल नहीं किया है तो आपको वो अटैच करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ध्यान से वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अब एक बार अनेबल कर दिया उसके बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम अल्टरेशन में, या तो आप क्रिएशन में भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से आइटम बना के रखा हुआ है इसलिए मैं जाऊँगा स्टॉक आइटम अल्टरेशन में। और यहाँ पे अलग अलग जो हमने आइटम्स बना के रखी हुई है उसको हम सिंपली ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे जो क्वांटिटी होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, उसके नीचे आपको एक सिलेक्ट इमेज फाइल का एक ऑप्शन आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप एंटर एंटर करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे एंटर करके जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे आपको एक लिस्ट भी आ रहा है जो जितने भी हमारे इमेज पड़े हुए हैं उस फोल्डर में, बेसिकली ये जो फोल्डर है उस फोल्डर में जितने भी इमेजेस पड़े हुए हैं उन सब का लिस्ट यहाँ पे आपको आ रहा है। और उस लिस्ट में से ही आपको आइटम का नाम सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये आइटम है सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5, राइट। तो हम यहाँ से उस आइटम की इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। एक बार एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड एक बटन आपको मिल गया है शो इमेज का, और शो इमेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे वो इमेज जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस फोन का जो भी इमेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ऐसे ही आप दूसरे किसी आइटम में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra है, और यहाँ पर भी आप शो इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएगा। आप यहाँ पे आइटम में भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सैमसंग S24 Ultra का जो JPG इमेज जो है वो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही किसी और आइटम में भी अगर आपको चेक करना है, जैसे हम यहाँ पे आईपैड में जाते हैं एप्पल आईपैड, उसमें यहाँ पे शो इमेज पे क्लिक करेंगे तो आईपैड का भी आपको पिक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो बात रही आपको कॉन्फ़िगरेशन की और आइटम में कैसे आप देख सकते हैं उसकी। साथ साथ हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन में हम कैसे ये डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे कोई नया ट्रांजेक्शन करते हैं वाउचर्स में जाते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी सेल्स या परचेज या कोई अदर ट्रांजेक्शन हम लेते हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे ABC कस्टमर सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे एंटर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया है, राइट। यार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल iPhone 15 Pro Max में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली Ctrl+M प्रेस करना है। जैसे Ctrl+M प्रेस करेंगे, ध्यान रखिएगा Ctrl+M आपको प्रेस करना है, तो जैसे आप Ctrl+M प्रेस करेंगे आपको वो आइटम का इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आईफोन का इमेज जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। मैं यहाँ पे लेट सपोज क्वांटिटी रेट डाल देता हूँ। उसके बाद एक और आइटम सिलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल Galaxy S24 Ultra, राइट। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+M प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। उसको भी हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी ले लिया। उसके बाद Samsung Galaxy Z Fold हम ले लेते हैं, और वापस से मैं Ctrl+M प्रेस कर रहा हूँ तो उसका भी इमेज यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो चुका है, राइट। ना सिर्फ सेल्स ट्रांजेक्शन में, मगर आप अगर परचेज में भी जाओगे तो परचेज में भी सेम सिनारियो एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे आपने पार्टी का नाम ले लिया, सेल्स लेजर ले लिया, आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हो, और आइटम सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+M प्रेस करेंगे तो उस आइटम का इमेज ओपन हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर आप देखेंगे तो उस आइटम का इमेज ओपन हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको ये TTL? अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।